नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया पोटैटो हिंदी। आज मैं आ चुका हूँ एटा जिले के नंगला बरी गांव में। यहाँ पर ये पेड़ के नीचे आलू का डंप लगा हुआ है और ये आप इधर देख सकते हैं गाड़ी में आलू की लोडिंग चल रही है और इधर आलू लगा हुआ है और कुछ डंप भी लगे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर किसान भाई खड़े हुए हैं और इनसे आलू के बारे में पूछेंगे और कि कितनी इस क्षेत्र में आलू के डंप रह गए हैं और क्या रेट बिका है और स्टोर की भी जानकारी लेंगे, कब तक डंप वाले आलू चलेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है आपका भाई साहब? विनय सिंह राठौर। तो ये जो लोडिंग चल रही है आलू की, हम वीडियो में दिखा रहे हैं, ये कौन से आलू की चल रही है और आपने आज क्या रेट आलू आज खरीदा है आपने? ये आलू खरीदा है 911 रुपये। 911 रुपये कट्टे? जी। आज इस आलू की आप देख रहे हैं वीडियो में लोडिंग चल रही है और ये आलू आज 911 रुपये कट्टे की बिक्री हुई है और 54 किलो आलू की बिक्री हुई है और ये नंगला बरी जिला एटा की हम आपको दिखा रहे हैं आलू की डंप की लोडिंग चल रही है। ये सराय अगैत के पास है, नया गांव के पास, डाकू रोड सही है। और ये आलू डंप कब तक डंप चलेगा आलू? ये एक डंप दो चार दिन और चलेगा, आप ज्यादा नहीं है, दो चार दिन के लिए। जैसे आपके क्षेत्र में अगर आलू की बात की जाए तो डंप कितने परसेंट आलू, जैसे हम यहाँ एक पास में है देवसनी गांव, तो उस गांव में भी डंप लगाया जाता है, तो टोटल डंप ही है। और इधर कुछ क्षेत्रों में लगाया जाता है, हमारे क्षेत्र में तो जो मैनपुरी जिले में तो बहुत कम लगाया जाता है, बहुत कम लगाया जाता है। तो डंप का कब तक आलू चलता रहेगा? वो एक हफ्ता मान के चलिए, एक हफ्ता तक और चलेगा बस। जैसे इस साल कुछ ऐसा नहीं हो रहा डंप की निकासी कुछ जल्दी हो रही है? बिल्कुल आलू है जल्दी। तो इस साल आपका भाई साहब नाम क्या है? शिव कुमार। और किस गांव के रहने वाले? नंगला बरी के। जैसे इस साल देखा जा रहा है डंप की कुछ जल्दी निकासी हो रही है, खत्म हो रहा है, इसका क्या कारण है? ये कारण क्या, आलू पैदावार कम है, महंगाई है, किसान है। पैदावार कम थी, जैसे पैदावार कितनी कम रही होगी इस साल? 20% 20% आप मान जैसे 60 वाली 40। आपको कन्नौज जिले का थोड़ा वो डाटा बता दे रहे हैं आलू का। कन्नौज जिले में इस साल 27 कोल्ड स्टोरेज नए बने और 70% मां की रिपोर्ट आई है, 70-75% कोल्ड स्टोर फुल हो गई है। तो अगर देखा जाए तो 70% कोल्ड स्टोरेज भी, अगर उस हिसाब से अगर 30 कोल्ड कम होते तो आलू पैदावार नहीं है। आपके क्षेत्र में भी ये विद्यादेश कोल्ड स्टोरेज है, SPS कोल्ड स्टोरेज है, तो ये नए कोल्ड स्टोरेज बने और दोनों कोल्ड स्टोरेज फुल हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है ज्यादा कोल्ड स्टोरेज बने इस वजह से पैदावार कम रही है? स्टोर में क्या कैसी स्थिति हो सकती है? स्टोर हम आगे चलेंगे, अब तो सही रहेगी। हाँ। स्टोर अपने समय से पहले ओपन हो रही है, जैसे निकासी होने लगी आलू जाइए और निकलिए। और इस बार हमने पहली बार देखा है कि हम कल परसों गए थे शंभू कोल्ड स्टोरेज छतरामऊ में, एक तरफ कोल्ड में आलू रखा जा रहा है, एक तरफ निकासी हो रही है, वो स्थिति यहाँ भी है। यहाँ भी है कल SPS कोल्ड स्टोर में बोली लगी थी परसों। तो क्या रेट तक कोल्ड स्टोरेज वाला आलू बिका था? 951 रुपए तक। जैसे यहाँ पर तो हमने देखा है आलू की बिक्री सही हुई है, 911 रुपए कट्टे तक बिका है। और फरुखाबाद कुरौली मंडी में और कानपुर मंडी में आलू कुछ डाउन हुआ है, तो मंडियों में डाउन हुआ है, यहाँ पर कुछ महंगा खरीद रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो ये लंबी लोडिंग है, हमारा साउथ जा रहा है, साउथ जा रहा है। जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि मंडियों में डाउन इस वजह से हो गया है कि दागी आलू पहुंच रहा है, बिल्कुल ये भी, और आलू वहां पर धूप में भरा जा रहा है, उसकी वजह से थोड़ा खराब हो जाता है, ये भी कारण है। जैसे जो ऊपर मंडियों में जाता है वहां पर कोई डाउन नहीं हुआ? नहीं, साउथ में अभी तेजी बरकरार है। जैसे आपकी लोडिंग साउथ के लिए ज्यादातर चल रही है। और इस साल अगर स्टोर की बात की जाए तो स्टोर में आपके क्षेत्र में फुल हो गए या नहीं हो पाए? ये हमारे सब फुले हैं, हमारे जो नए बने हैं फरुखाबाद कम गो आलू जी, इन और पास जितने कोल ने सब फुले हैं, दो तीन कोल, तीन चार यहाँ के पड़ोस वाले। जैसे हमारे साथ ये व्यापारी भाई खड़े हैं, और इसके अलावा आप और कौन कौन सी वैरायटी का आलू खरीदते हो? हमारे यहाँ हाइब्रिड आलू ज्यादा होता है। हाइब्रिड ज्यादा होता है,
मोहन ख्याति ज्यादातर जो ब्रांडेड आलू होते हैं चिपसोना 37-97 है संगम है ये स्टोर में रखे जाते हैं स्टोर से इसकी बिक्री ज्यादा होती है अगर हम पैकेट ले रहे हैं यार जैसे जो लोडिंग आप लोडिंग कर रहे हो वहाँ के लिए लिवाली कैसी क्या है पहले से सस्ता है या फिर अच्छी डिमांड है नहीं डिमांड वहाँ तो सही है डिमांड पहले से सही है पहले से क्या वो लगातार बरकरार चल रही है बराबर चल रही है रेट वहाँ अप डाउन नहीं हो रही है स्टोर समाप्त हो जाएगा ये डंप वाला आलू 8 से 10 दिन बस 8 से 10 दिन डंप वाला आलू समाप्त हो जाएगा और जैसे इस साल आलू स्टोर में कोई डेटा पता नहीं लग रहा है कि पिछले साल से कम है ज्यादा है नए स्टोर भी इस साल सबसे ज्यादा बने हैं उसके हिसाब से हमारे चैनल इंडिया पोटैटो हिंदी के माध्यम से आप किसानों को कोई संदेश देना चाहते हो संदेश क्या संदेश यही देना चाहते हैं पिछली वर्ष से आलू कम है तो क्या उम्मीद है कैसा 2024 किसानों के लिए रहेगा अच्छा रहेगा किसानों के लिए 2024 लाभ रहेगा लाभ अच्छा रहेगा लेकिन बात ये है किसान निकालते रहें आलू को जैसे इस बार अभी बता रहे हैं पहली बार ऐसा हो रहा है एक तरफ आलू रखे जा रहे हैं दूसरी तरफ निकल रहे निकासी हो रही है ये ऐसा पहली बार हुआ है अभी तक कभी नहीं हुआ है तो ये 2024 में अप्रैल के शुरुआत में ही निकासी स्टार्ट हो गई है उसके बारे में आप क्या कहोगे उसके बारे में यही है कि डंप कम है इन साल और डंप कम है और भाव में क्या कितना अंतर है डंप वाले आलू जैसे आप स्टोर में भी खरीदते हो और डंप वाला अभी लोडिंग चल रही है तो उसके भाव में कितना अंतर है बराबर मानो आप डंप और कोल्ड वाला बराबर है 951 तक बोरी लगी सुपर क्वालिटी की परसों और ये 911 लिया डंप वाला 911 हाँ नमस्कार भाई साहब नमस्कार क्या नाम है आपका राजेंद्र सिंह तो राजेंद्र जी अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं उसका लोकेशन और जिस ग्राम वगैरह और जिला वगैरह बता दीजिए आप अच्छा ये ग्राम नंगलावरी है बरगद के नीचे खड़े हैं और आलू के ढेर भरे जा रहे हैं और जिला जिला एटा अभी हम एटा जिला में नंगलावरी ग्राम में खड़े हैं और आलू के डंप की भराई चल रही है आपके क्षेत्र में ये डंप कितने दिन तक और चलता रहेगा चले 8-10 दिन तक 8 से 10 दिन तक ये जो हम वीडियो में आलू दिखा रहे हैं ये आलू आज क्या रेट है आलू की बिक्री हुई है इसकी 885 रुपये 885 रुपये पैकेट 885 रुपये पैकेट बिक्री हुई है हम इधर ये डंप में आलू लगा हुआ है आपको वीडियो में दिखा दे रहे हैं ये जो आलू हम दिखा रहे हैं ये वाला 885 रुपये पैकेट की आज बिक्री हुई है हाँ तो कौन सा आलू था ये आज ये ख्याति आलू है ख्याति आलू है अब ले पकड़ो मैं तुम डरा नमस्कार भाई साहब नमस्कार आपका क्या नाम है महेंद्र सिंह तो महेंद्र जी आपने ये कौन सा आलू लगाया था ख्याति आ रहे तो आपने ये ख्याति आलू किया था क्या रेट आज इस आलू की बिक्री हुई है 886 रुपया प्रति पैकेट 886 रुपये प्रति पैकेट ख्याति आलू की जैसे अगर आपके क्षेत्र की बात की जाए तो डंप कितने परसेंट है क्षेत्र में लगाया जाता है 60% कम से कम जैसे 60% डंप लगाया जाता है आलू का तो डंप की जो बिक्री चल रही है अभी तो कितने परसेंट डंप खत्म हो चुका था कितना रह गया है अब करीब 20% रही हो ये लगभग 20% रह गया है हाँ सब खत्म है डंप और कितने दिन तक अभी चलता रहेगा ये हफ्ता खंड ज्यादा से ज्यादा सप्ताह भर हाँ और जैसे ये आपने ख्याति आलू लगाया था आपका कितने कट्टे बीघे के निकला है ये 50 कट्टे का निकला 50 कट्टे बीघे का अगर एटा जिले के स्टोर की अगर बात की जाए तो स्टोर में क्या कैसी स्थिति है जैसे स्टोर में पिछले साल से ज़्यादा भरे हैं या कम भरे हैं उसके बारे में कोई जानकारी है आपको हाँ पिछले साल के आसपास भरे जा रहे हमारे इधर से जैसे आपके क्षेत्र में यहाँ पर 2 स्टोर नए बने हुए हैं ये SBS कोल्ड स्टोरेज और ये विद्यादेश कोल्ड स्टोरेज ये वाले कोल्ड फुल हो गए हैं फुल होन जा रहे हो जाएंगे फुल जैसे अभी भी कोल्ड में आलू रखा जा रहा है रखा जा रहा है
जैसे इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोल्ड में आलू निकासी भी स्टार्ट हो गई है। हमने कल परसों वीडियो में शिवराबू शंभू कोल्ड स्टोरेज में हम जाकर हमने दिखाया था कि स्टोर में आलू की निकासी स्टार्ट हो चुकी है और इस वर्ष अभी आलू स्टोर में रखे भी जा रहे हैं। रखे जा रहे हैं। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि दोनों काम एक साथ ही हो रहे हैं। जैसे एक स्टोर में हमने देखा कि एक तरफ निकासी हो रही थी आलू की और एक तरफ स्टोर में रखा जा रहा था। इस बार ऐसा पहली बार हो रहा है। जैसे बार हो रहा है। जो स्टोर में बिक्री हो रही है आलू की और डंप वाले में बिक्री हो रही है, इसमें कोई भाव में अंतर है? अंतर है थोड़ो सा। क्या अंतर है इसमें? हाँ व्यापारी बोलो क्या रेट कोल्ड खरीद रहे हैं? अंतर तो मतलब 100 रुपए का अंतर है। अभी हमारे साथ व्यापारी भाई खड़े हैं, इनसे भी आलू के बारे में पूछेंगे क्या। और इस साल आलू की पैदावार क्या कैसी है? 30 से 50 तक पैकेट बीघे की। और ये ख्याति पुखराज के अलावा और कोई भी वैरायटी आपके क्षेत्र में होती है आलू की? बस यही होती है, मोहन और लगाते हैं मोहन आलू। जैसे हमने कई जगह सुना है मोहन आलू 100 कट्टे बीघे का निकलता है, आपके क्षेत्र में होता है, आप किसान हो तो इसकी क्या कैसी सच्चाई है? 100 कट्टे बीघे का आपके क्षेत्र में निकला है या कोई 80 कट्टा तक निकले? इस साल 80 कट्टे बीघे का निकला है। निकला है तो मोहन आलू क्या रेट अभी चल रहा है? रेट वही है, मोहन भी यही रेट बिक रहा है। ये आलू आप देख सकते हैं, ग्राम नंगलावरी जिला एटा में इस आलू की बिक्री आज 911 रुपये पैकेट की हुई है और ये डंप वाला आलू है। और आप इधर देख सकते हैं आलू की लोडिंग चल रही है और ये साउथ की लोडिंग हो रही है। आज इस आलू की बिक्री 911 रुपये पैकेट की 54 किलो आलू की हुई है और ये ग्राम नंगलावरी जिला एटा में आलू की बिक्री हुई है। और इसी प्रकार की आलू संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल इंडिया पोटैटो हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।